हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग एट होम में। देखिए दोस्तों, ये खूबसूरत एलिफेंट एयर मनी प्लांट है। इसे इसलिए एलिफेंट एयर बोलते हैं क्योंकि इसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं, और आज मैं आपको इसी के बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा। ये एक ऐसा मनी प्लांट है जिसे जनरली ऐसी जगह पर ही लगाना पड़ता है जहाँ पर पेड़ हों, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसे आधार के लिए कुछ चाहिए होता है। इसके पत्ते तभी बड़े होते हैं जब इसकी जड़ों को कुछ बेस मिलता है, कोई आधार मिलता है। आप देख ही रहे हैं कि इसके पत्ते कितने खूबसूरत और कितने बड़े हैं। पिछली गर्मियों में इसे बहुत नुकसान हुआ क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए नहीं रहते, ये इसी तरीके से पेड़ों के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये नीचे से लगभग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, शुरुआत में ज़मीन से जुड़े रहते हैं, यानी कि इनकी ज़मीन वाली जड़ें काम ही नहीं करती है, जो सिर्फ पेड़ों पर जड़ें होती हैं वही काम करती हैं। शायद ज़्यादातर लोग अपने से इस चीज़ को नहीं जानते होंगे कि इनकी नीचे की जड़ अक्सर ख़त्म हो जाती है और ये सिर्फ ऊपर पेड़ पर जो जड़ें होती हैं उन्हीं से काम चलाते हैं। तो चलिए इसे बारीकी से समझने के लिए करीब चलकर देखते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए दोस्तों, इसके आप देख रहे हैं शुरुआत के पत्ते इतने बड़े नहीं हैं, ये छोटे हैं। ये जैसे जैसे ऊपर जाता रहता है, ये इसकी जो रूट्स हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, नजर आए तो ये जो रूट हैं इसकी, ये पेड़ से टच होती रहती हैं और पेड़ से फूड लेना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे कि इसके ऊपर के पत्ते बड़े होते रहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इसके पत्तों का साइज़ बड़ा होता रहता है। देखिए कितना बड़ा हो गया है, और ये इन जड़ों के ज़्यादा होने की वजह से ही है। स्टार्टिंग में ये होता है कि इसके बिल्कुल ही, आपको मैं दिखाता हूँ कि आप देखिए, ये इस पेड़ की मेन रूट है और ये ज़मीन से अलग है, ये ज़मीन से टच ही नहीं है, ये ज़मीन से बिल्कुल भी टच नहीं, यानी ज़मीन से डिस्कनेक्टेड है। ये सिर्फ पेड़ों पर जो इसकी जड़ें हैं इस तरह से, ये सिर्फ उनसे फूड ले रही है। नीचे की मेन रूट, मेन जड़ तो कट चुकी है, इसकी मेन जड़ है ही नहीं इसकी। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये प्लांट काम करता है, और इसकी ये बड़ी बड़ी जो जड़ें हैं जो पेड़ के ऊपर में लगी हुई हैं, यही इसे फूड प्रोवाइड कराती हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको यही दिखाना चाहता था कि अगर आप इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो आपको कोई बड़ा पेड़ चाहिए होगा, या फिर आपको एक पिलर टाइप कुछ ऐसा बनाना होगा जिस पे आप इसे आधार दे सकें, जिससे इसकी जड़ों को आप सहारा दे सकें। क्योंकि अगर आप इसकी जड़ों को कोई फूड के लिए स्पेस नहीं दे पाएंगे तो इसके पत्ते भी इस तरह से छोटे रहेंगे और पत्ते बड़े नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि एलिफेंट एयर मनी प्लांट के बारे में आप ये समझ गए होंगे कि इसे किस तरह के एटमॉस्फेयर में लगाया जाता है और ये काम कैसे करती है। इन्हीं से ज़मीन से ज़्यादा मतलब नहीं होता, ज़मीन से ये बहुत मिनिमम फूड लेता है। मेन तो रूट कटी हुई है, हवा में ही है पूरा ये, और इसकी जड़ें ही कुछ ज़मीन में गई हुई हैं और कुछ पेड़ के ऊपर में है। मेनली पेड़ के ऊपर जो हैं यही नीचे ज़मीन में जा रही हैं। तो दोस्तों, ये प्लांट इस तरीके से काम करता है जैसे कि एक स्पाइडर हो चिपका हुआ हो पेड़ के ऊपर। तो इस प्लांट को लगाने के लिए आपको एक प्रॉपर स्पेस की ज़रूरत होती है, यानी कोई ऐसा पेड़ चाहिए जिस पर आप इसे लगा सकें। अगर ऐसा आपके पास नहीं है तो ये प्लांट आप नहीं लगा पाएंगे। वैसे ये प्लांट होता बहुत सुंदर है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप समझ गए होंगे कि एलिफेंट एयर मनी प्लांट के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है लगाने के लिए। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।